बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एथोज़ा साइनापियम, जिसे फूज पार्सले भी कहते हैं। ये दवाई उस वक्त काम आती है जबकि बच्चा दूध हज़म करने के नाकाबिल हो और वो इतना कमज़ोर हो कि ना तो वो खड़ा हो सकता हो और ना ही अपने सर को ऊपर उठाए रख सकता हो। उसके चेहरे की तरफ देखने से ऐसा मालूम होता हो कि उसको सख्त दर्द व तशवीश है, चेहरा उतर गया हो। बच्चा दूध को किसी हालत में भी हजम ना कर सकता हो। जूं ही कि वो दूध पीता हो, उसी वक्त बड़े बड़े फुट दूध के कह कर डालता हो और कह करने के बाद वो नहायत कमज़ोर और बेहोश हो जाता हो। जब शदीद फौरी ज़ोरदार कह के हमरा झागदार जमा हुआ दूध या झागदार पनीर नुमा मादा खारिज होता हो, तो ये दवाई कार आमद होती है। जब बच्चे दांत निकाल रहे हों और उनको बदहजमी की शिकायत हो, खसूसन मौसम गर्मा में, तो ये दवाई कार आमद होती है। हैज़े अतफाल में भी ये दवाई मुफीद होती है, जबकि दस्त बरंग सब्ज़ और मानद कीचड़ के आते हों। और नीज़ बच्चों के तशन्नुज में भी ये दवाई दी जाती है जबकि बच्चे के हाथ के अंगूठे मुड़ गए हों, चेहरा सुर्ख हो गया हो, आंखें नीचे की तरफ मुड़ गई हों, जबड़े आपस में जुड़ गए हों, यानी दांती जिसे दंदन भी कहते हैं, पड़ गई हो, नब्ज़ छोटी सख्त और तेज़ चलती हो और मरीज़ ठंडे पसीने से तरबतर हो गया हो और प्यास नदारद हो। जब बच्चा पखाना फिरने के बाद या कह करने के बाद या तशन्नुज के बाद पुज मुर्दा और बेहोश हो जाता हो, तो ये इलामत इस दवाई की मखसूसा, यानी कि ये इलामत मखसूसा है इस दवाई की, समझनी चाहिए। दिमाग, मरीज़ बेचैन मुतफक्किर और चीखता चिल्लाता हो, उसको चूहे बिल्लियाँ और कुत्ते दिखाई देते हों, यानी कि ख्वाब में, बेहोश और हिजियान की हालत में हो, ना मरीज सोच सकता हो और ना ही अपना ध्यान गाड़ सकता हो किसी एक जगह पे, दिमाग थका हुआ हो, सर, मरीज़ को ऐसा मालूम होता हो कि गोया उसका सर बंधा हुआ है या शिकंजा में कसा हुआ है, सर के पिछले हिस्सा में दर्द हो जो कि निखाह यानी कि रीढ़ का स्तून के नीचे तक फैलता हो, लेटने और दबाने से आराम होता हो, पखाना आने या हवा खारिज हो जाने के बाद शिकायत सर को आराम हो जाता हो, ऐसा मालूम होता हो कि बालों को कोई खींच रहा है, सर चक्कर के हमरा बेहोशी होती हो और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती हो, जब सर चक्कर को आराम आता हो तो सर गर्म हो जाता हो, आँखें, रोशनी से डर लगता हो, आँखों के डीले चक्कर लगाते हों, आंखें नीचे की जानब खिंच गई हों, पुतलियां फैल गई हों, छप्पर की गदूदें यानी कि मिबोमियम की ग्लैंड्स की सूज गई हों, कान, ऐसा महसूस हो कि कान बंद हैं और ऐसा मालूम है कि कान में से कोई चीज़ यानी कि गर्म चीज़ निकल रही है, हंस हंस की आवाज़ पैदा हो, नाक, गाढ़ी रतूबत से बंद हो गया हो, नाक के सिरे पर फिंसी हो, छींकने की बेसुध ख्वाहिश मतवातर लगी रहती हो, चेहरा, चेहरा फूला हुआ और उस पर सुर्ख धब्बे हों और मुर्दनी सा हो, देखने से मुतफक्किर मालूम होता हो और पुराना दर्द हो, मुंह खुश्क हो, उसमें छाले हों, जबान बहुत बड़ी मालूम हो, जलन हो, हल्क में आबिले हों, थूक निगलना मुश्किल हो, मैदा, मैदा दूध को किसी हालत में भी बर्दाश्त ना कर सकता हो, पीने के फौरन बाद कह कर डालता हो या दूध बड़े बड़े फुट बनकर निकल जाता हो, खाना खाने के 1 घंटा बाद खाया पिया कह में निकल जाता हो, सफ़ेद झागदार मादा जोर से बाहर निकलता हो मुंह से, यानी कि बच्चों के मुंह से, खुराक को देखते ही जी मतला जाता हो, मैदा दर्द के साथ सिकुड़ता हो, कह करने से पसीना आ जाता हो और नहायत नकाहत हो, साथ ही तकलीफ़ व तशवीश भी हो, कह कर चुकने के बाद नींद आ जाती हो, शिकम के अंदर और बाहर ठंडक हो, अंतड़ियों में दुखन हो, दर्द कूलेंच के साथ ही कहें
सर चक्कर और कमजोरी वाक्य होती हूँ। शिकम इतना तना हुआ हो, फूला हुआ हो और छूने से दर्द करता हो, ऐसा महसूस होता हो कि नाफ के गिर्द बुलबुले उठ रहे हों, पाखाना पतला और सब्जी मायल आता हो और उसमें गैर हजम शुदा ग़िज़ा निकलती हो, लेकिन बेशतर अजीं यानी कि इससे पहले मरोड़ के साथ दर्द कूलंज भी होता हो पखाना से पहले, और पखाना आ चुकने के बाद सख्त थकावट और सुस्ती मालूम होती हो। हैज़ा अतफाल में यह दवाई मुफीद पड़ती है, जबकि बच्चा सर्द चिपचिपे पसीने से तरबतर मदहोश और टिकटिकी बंधी हो और पुतलियाँ फैली हुई हों, नहायत शदीद कब्ज़ हो, ऐसा मालूम पड़ता हो कि अंतड़ियाँ अपना फैल छोड़ बैठी हैं। आलात बूल, मसाना में काटने वाले दर्द और पेशाब की हाजत बार बार हो, गुर्दों में दर्दें होती हों। अमराज़ जनाना, इंदामी निहानी में बर्छी मारने की सी दर्दें होती हों, फिसियाँ हो और गर्मी से ख़ारिश होती हो, हैज़ आबी आते हों, पिस्तान सूजे हुए और उन में बर्छी मारने का सा दर्द होता हो, तनफ्फुस दिक्कत से आता हो, बोझल और मुतफक्किर हो, गले में कुड़ल के साथ खिंचावट हो, बवजह तकालीफ के मरीज़ गुफ्तगू ना कर सकता हो, दिल की धड़कन नहायत तेज़ हो और उसके साथ सर में चक्कर दर्द और बेचैनी हो, नब्ज़ तेज़ सख्त और छोटी हो, कमर बाजू टांगें खड़ा होना होने या सर को सीधा रखने की ताकत ना हो, यानी कमर बाजू टांगें या खड़ा होने या सर को सीधा रखने की ताकत बिल्कुल भी ना हो, ऐसा महसूस हो कि कमर शिकंजे में कसी हुई है, कमर में दर्द हो, टांगे कमज़ोर हों, हाथों की उंगलियां दर्द करती हों, अंगूठे अंदर को मुड़ गए हों, हाथ और पांव सुन्न हों, तशन्नुद शदीद हो, भेंगापन हो, जिल्द जिस्म चलते वक्त राने छिली जाती हैं, चलते हुए राने छिली जाती हैं, पसीना बासानी आ जाता हो, जिल्द जिस्म सर्द हो और चिपचिपे पसीने से तरबतर हो, गदूद माया सूजे हुए हों, जोड़ों के इर्द गिर्द खराशदार फिंसियाँ हों, हाथों की जिल्द खुश्क और सिकुड़ी हुई हो, जिल्द पर स्याह नीले दाग पड़ गए हों, इस्तिस्का का अर्ज़ हो, बुखार हरारत बहुत हो लेकिन प्यास नदार दो, ठंडा पसीना बकसरत आता हो, पसीने की ही हालत में कपड़ा ओढ़े रहता हो, नींद यकायक चौंक उठता हो, नींद में ठंडा पसीना आता हो, पखाना या कह के बाद नींद आ जाती हो, बच्चा ऐसा चिकना चूर हो जाता हो कि झट सो जाता हो, ज्यादती मर्ज गर्मी से मौसम गर्मा में शाम को 3-4 बजे सुबह को, मौसम गर्मा में शाम को और वैसे 3-4 बजे सुबह को, कम ये मर्ज खुली हवा में या लोगों की सोबत में, खुराक यानी कि पोटेंसिस की जो इस्तेमाल करवानी है वो क्यूब इस्तेमाल करवा सकते हैं और ज़्यादा बेहतर 30 है बच्चों के लिए। शुक्रिया।